Hey everyone, welcome. So today we'll be doing this question of functions of complex number, and we have the first question. So we have to separate the given question into real and imaginary parts. The first part diya hua hume sine hyperbolic x plus iota y. Ab har ek aise question mein ek simple si approach ka use hoga. Dekho approach kya hogi. So first of all, ye wala formula aapne padha hoga. साइन आयोटा जी की वैल्यू क्या होती है? आयोटा साइन हाइपरबोलिक जी. और जी की वैल्यू क्या होती है? एक्स प्लस आयोटा वाई, बिकॉज जी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है. अब इसका हम यूज़ करके यहाँ पे कुछ करते हैं. देखो, हमें दिया हुआ है साइन हाइपरबोलिक जी. यहाँ पे भी कुछ ऐसा दिख रहा है साइन हाइपरबोलिक जी, बट यहाँ पे आयोटा भी है, यहाँ पे आयोटा नहीं है. तो चलो इसके साथ आयोटा लगा देते हैं. फर्स्ट स्टेप में हम इसके साथ आयोटा लगा देंगे. So it becomes iota sine hyperbolic x plus iota y. अब देखो, अगर iota से multiply किए किसी term को तो उसको divide भी हम करेंगे iota से. So let's do that. यहाँ पे हो जाएगा 1 by iota. ठीक है. Now comes the second step. Second step में देखो, अब हमने ये वाली form बना दी है iota sine hyperbolic z. तो ये किसके equal था? इसके equal. ले आते हैं इसको इसके equal. तो हो जाएगा 1 बाय आयोटा एंड दिस बिकम साइन आयोटा एक्स प्लस आयोटा वाई. ठीक है, जी की वैल्यू ये डाल दी हमने. नाउ नेक्स्ट स्टेप. अब नेक्स्ट स्टेप में व्हाट आई कैन डू, 1 बाय आयोटा की वैल्यू क्या होती है? 1 बाय आयोटा को आई कैन राइट इट एज 1 बाय आयोटा, और डिवाइड और मल्टीप्लाई इसको भी आयोटा से कर देंगे. ये हो जाएगा आयोटा और नीचे हो जाएगा आयोटा स्क्वायर. तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? इट इज़ माइनस वन. तो ये हो जाएगा आयोटा बाय माइनस वन. सो इट बिकम्स माइनस आयोटा. ठीक है, माइनस आयोटा बन जाएगा. चलो अब इसको यहाँ पे पुट करके देखते हैं. तो 1 बाय आयोटा, ओके, 1 बाय आयोटा बिकम्स माइनस आयोटा. तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस आयोटा और यहाँ पर फिर आ जाएगा साइन. एंड वी हैव, अब देखो यहाँ पे बाहर आयोटा की टर्म दिख रही है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं. ये हो जाएगा आयोटा एक्स. ठीक है, अब देखो आयोटा को मल्टीप्लाई हमने किससे किया है? आयोटा वाई से. तो ये आयोटा इंटू आयोटा हो जाता है आयोटा स्क्वायर, और वाई एज इट इज़ आ जाएगा. तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस वन इंटू वाई. देयरफॉर इट बिकम्स माइनस वाई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस वाई. ठीक है, ऐसे सिंप्लीफाई करते हैं. अब देखो यहाँ पर हम साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी नहीं लगा सकते थे, बिकॉज यहाँ पे आयोटा भी गिवन है. बट यहाँ पे हम साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगा सकते हैं. सो व्हाट इज साइन ए माइनस बी? साइन ए माइनस बी की वैल्यू होती है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. वी हैव माइनस आयोटा और यहाँ पे हो जाएगा साइन ए, यानी कि आयोटा एक्स कॉस बी. सो इट इज कॉस वाई. देन वी हैव माइनस कॉस ए. सो कॉस आयोटा एक्स, और लास्ट में क्या हो जाएगा? साइन बी, यानी कि साइन वाई. अब क्या करेंगे? देखो अब अगेन यहाँ पे हमें दिख रहा है साइन आयोटा एक्स. ठीक है, साइन आयोटा जी. एक्स यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है. ठीक है, अब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ. चलो इसको फिर से इस फॉर्म में ला के देखते हैं. हो जाएगा माइनस आयोटा आयोटा साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस वाई को एज इट इज लिख देते हैं, कॉस आयोटा एक्स. अब देखो कॉस आयोटा एक्स हो या फिर जी हो, दैट डजेंट मैटर, वो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर ही माना हुआ. तो कॉस आयोटा एक्स की वैल्यू होती है कॉस हाइपरबोलिक एक्स. तो ये हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा साइन वाई. ठीक है, अब लास्ट पार्ट में क्या करना है? सिंपली ये जो बाहर आयोटा दिया हुआ है, इससे हम अंदर वाले आयोटा को मल्टीप्लाई करके देखते हैं. तो ये हो जाएगा आयोटा इंटू आयोटा, यानी कि आयोटा स्क्वायर. ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे? आयोटा स्क्वायर. तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस वन, और यहाँ पे बाहर ऑलरेडी माइनस है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा? वन. तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा. देयरफॉर यहाँ पे सिंपली साइन आयोटा एक्स लिख देंगे, कॉस वाई आ जाएगा, और फिर यहाँ पे कॉस एच एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा प्लस आयोटा कॉस एच एक्स साइन वाई.
थे कि ऐसे हमने इसे सिंप्लीफाई कर दिया. सो दिस इज़ हाउ वी डू सच क्वेश्चंस. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. ठीक है, हम और भी क्वेश्चंस करेंगे, यू विल गेट मच मोर क्लैरिटी कि करना क्या. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. सो नाउ वी हैव द सेकेंड पार्ट विच इज कॉस हाइपरबोलिक एक्स माइनस आयोटा वाई. देखो ये बात याद रखना, ऐसा नहीं होता यहाँ पे कि कॉस ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगा दो, बिकॉज यहाँ पे हाइपरबॉलिक दिया हुआ है, तो इसीलिए हम डायरेक्ट चीज़ें नहीं करते. सो सी, अगर कॉस आयोटा जी गिवन है तो हम क्या बनाएंगे इसको, ये हो जाता है कॉस हाइपरबॉलिक जी. अब यहाँ पे आपको फॉर्म ही यही दी हुई कॉस हाइपरबॉलिक जी, तो इसको हम इस फॉर्म में ले आते हैं. सिंपल है लाना, व्हाट आई एम गोना डू, इसकी वैल्यू होती यही है. सो इट बिकम्स कॉस आयोटा एक्स माइनस आयोटा वाई. अब अगेन यहाँ पर भी कॉस ए माइनस बी की आइडेंटिटी नहीं लगेगी, तो इसको फर्दर और सिंप्लीफाई कर देते हैं. ये हो जाएगा कॉस आयोटा एक्स, एंड अगेन आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, एंड अगेन आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है आयोटा वाई से. सो इट बिकम्स आयोटा स्क्वायर वाई, एंड इट बिकम्स माइनस वन इंटू वाई, सो इट इज़ माइनस वाई. और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, ठीक है, बाहर माइनस दिया हुआ, सो ये बन जाता है सिर्फ वाई. सो यहाँ पे हो जाएगा प्लस वाई. ठीक है, अब फाइनली जब यहाँ पे साइन चेंज हो गया है और यहाँ पे बाहर कुछ भी हाइपरबॉलिक नहीं दिया हुआ है या फिर आयोटा नहीं गिवन है, अब हम यहाँ पे कॉस ए प्लस बी की आइडेंटिटी लगा सकते हैं. सो कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए प्लस बी इज कॉस ए कॉस b माइनस साइन ए साइन b. सो वी हैव cos a cos b माइनस साइन a साइन b. ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में सिंपली यहाँ पर हमें आयोटा x दिख रहा है और यहाँ पर भी साइन आयोटा x दिख रहा है, तो इसको हम इस फॉर्म में लाते हैं. सो कॉस आयोटा एक्स की वैल्यू हो जाती है कॉस हाइपरबॉलिक एक्स, यहाँ पे आ जाएगा कॉस वाई साइन आयोटा एक्स. अब साइन आयोटा एक्स की वैल्यू होती है आयोटा साइन हाइपरबॉलिक एक्स, सो इट इज़ आयोटा साइन हाइपरबॉलिक एक्स साइन वाई. ठीक है, ऐसे बन जाता है. देयरफॉर आई कैन सी दैट ये रियल पार्ट दिख रहा है और ये इमेजिनरी पार्ट दिख रहा है. सो वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन, ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है. सी दैट इज़ हाउ सिंपल इट वॉज. सो लेट्स डू द थर्ड पार्ट. सो नाउ दिस इज़ द थर्ड पार्ट, कॉट हाइपरबॉलिक एक्स माइनस आयोटा वाई. अगेन यहाँ पर भी हम कॉट की कोई भी आइडेंटिटी नहीं लगा सकते, सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. ठीक है, अब देखो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे. सो अंडरस्टैंड सम बेसिक थिंग्स. अगर हमें कॉट आयोटा वाई गिवन है, इसका मतलब ये कि हो जाएगा कॉस आयोटा वाई डिवाइडेड बाय साइन आयोटा वाई. ऑलराइट, अब कॉस आयोटा वाई की वैल्यू क्या होती है, कॉस हाइपरबॉलिक वाई. और साइन आयोटा वाई की वैल्यू होती है आयोटा साइन हाइपरबॉलिक वाई. तो ये हो जाएगा वन बाय आयोटा, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉस हाइपरबॉलिक वाई बाय साइन हाइपरबॉलिक वाई. वन बाय आयोटा भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, दैट इट इज़ माइनस आयोटा. और कॉस हाइपरबॉलिक वाई और साइन हाइपरबॉलिक वाई की वैल्यू बना सकते हैं हम, इट बिकम्स कॉट हाइपरबॉलिक वाई. ईजी, ठीक है. देयरफॉर आई कंक्लूड कि जो कॉट आयोटा वाई होता है, इसकी वैल्यू होती है माइनस आयोटा कॉट हाइपरबॉलिक वाई. इंपॉर्टेंट पार्ट के. सो नाउ वी हैव कॉट हाइपरबॉलिक, और ये पूरा जो एक्स प्लस आयोटा वाई है इसको वाई मान लेते हैं. सो यहाँ पे भी हमें दिख रहा है कॉट हाइपरबॉलिक वाई. ठीक है, दोनों चीज़ें सेम हैं, बट यहाँ पर माइनस आयोटा है और यहाँ पर माइनस आयोटा नहीं है. तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस आयोटा डाल देते हैं. सो माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेसिकली हम. ओके, सो बाकी सब एज इट इज़ लिख देते हैं. अब माइनस आयोटा से अगर मल्टीप्लाई किया है तो हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा. सो माइनस वन बाय आयोटा से हमने डिवाइड भी कर दिया. अब देखो सेकंड स्टेप में क्या होगा, वी हैव माइनस आयोटा कॉट हाइपरबॉलिक और ये है वाई.
सो वी हैव माइनस आयोटा कॉट हाइपरबोलिक वाई. अब हम इसे LHS वाली टर्म में लिख देते हैं, माइनस वन बाय आयोटा, और ये हो जाएगा कॉट आयोटा, और वाई की वैल्यू क्या है, एक्स माइनस आयोटा वाई. सो माइनस वन बाय आयोटा, इट बिकम्स माइनस, और वन बाय आयोटा की वैल्यू होती है माइनस आयोटा. सो नाउ ये दोनों माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड वी आर लेफ्ट विथ आयोटा. सो यहाँ पे डाल देते हैं वैल्यू, ये हो जाएगा आयोटा, एंड जो यहाँ पे आयोटा है इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाता है कॉट आयोटा एक्स, एंड आयोटा इंटू आयोटा होता है माइनस वन, एंड वी हैव यहाँ पे माइनस बी, सो वी आर लेफ्ट विद नथिंग, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस वाई. ठीक है, वी आर लेफ्ट विद कॉट आयोटा एक्स प्लस वाई. सो नाउ इफ यू हैव वॉच द प्रीवियस वीडियो, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी टर्म ऐसी दी हो और वहाँ पे इमेजिनरी पार्ट हो उसके ब्रैकेट में, तो हम उसको सिंप्लीफाई करके किसी फॉर्म में कन्वर्ट करके और फिर सॉल्व करते हैं. सो व्हाट वाज दैट? देखो, सबसे पहले वो जो फॉर्मूलाज मैंने बताए थे, आई टोल्ड यू कि वो सिर्फ साइन और कॉस पे अप्लाई होते हैं. तो कॉट को हम कैसे साइन और कॉस की फॉर्म में क्या कर सकते हैं? आई कैन से कि जो कॉट थीटा होता है वो होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा. सो इसको ऐसे ही हम लिख देते हैं. थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? आयोटा एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे साइन लिख देते हैं आयोटा एक्स प्लस वाई. सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, आई टोल्ड यू अगर डिनोमिनेटर में साइन दिया हुआ है और ये थीटा है, तो हम क्या करते थे? इफ़ यू रिमेम्बर, सो आई टॉट कि सबसे पहले सब कुछ एज इट इज़ लिख देते हैं, और फिर हम लिखते हैं कि एडिशनल पार्ट जो भी साइन एक्स प्लस सॉरी आयोटा एक्स प्लस वाई. अब क्या करना है, डिनोमिनेटर में साइन दिया हुआ है तो न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, यहाँ पे भी साइन और यहाँ पर भी साइन. ठीक है, अब ब्रैकेट में क्या आएगा, ब्रैकेट में जो भी यहाँ पे थीटा दिया इसका आर्ग्यूमेंट ले लेते हैं, यानी कि आयोटा एक्स माइनस वाई आ जाएगा. लेट्स डू दैट, ये हो जाएगा आयोटा एक्स माइनस वाई, और यहाँ पर भी हो जाएगा आयोटा एक्स माइनस वाई. अब और भी यहाँ पर ऐड क्या करना है, नाउ लेट मी जस्ट show you some formula. So the formula is this. Okay, so now these are the formulas. अब पहला हमें दिख रहा है कि cos a sin b है, यानी कि ये वाला cos a sin b, और second है sin a sin b. So this one. But यहाँ पर दोनों formula में टू भी हैं, so हम टू से यहाँ पर multiply और divide कर देंगे. ठीक है, अब क्या करेंगे, नाउ आई कैन सी टू कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला बन रहा है, सो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, एंड सिमिलरली यहाँ पे टू साइन ए साइन बी बन रहा है, तो इसको आई कैन राइट ऐसे. सो लेट्स राइट इट डाउन. सो फर्स्ट आई हैव टू कॉस ए साइन बी, सो विच इज़ इक्वल टू साइन ए प्लस बी, सो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी. ओके, नाउ डिवाइडेड बाय, सो नाउ टू साइन ए साइन बी को आई कैन राइट कॉस ए माइनस बी, सो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, सो ए प्लस बी. ओके, सो नाउ फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, सो दिस एंड दिस गेट्स कैंसल्ड आउट, दिस गेट्स कैंसल्ड आउट, सिमिलरली ये भी कैंसिल हो जाएगा एंड ये भी कैंसिल हो जाएगा. सो नाउ व्हाट आर वी लेफ्ट विथ, वी आर लेफ्ट विथ साइन टू आयोटा एक्स माइनस साइन टू वाई डिवाइडेड बाय कॉस टू वाई माइनस कॉस टू आयोटा एक्स. ठीक है, अब फर्दर क्या करेंगे, आयोटा बाहर, और यहाँ पे साइन आयोटा एक्स गिवन है, तो ये हो जाएगा आयोटा साइन हाइपरबोलिक एक्स, सो इट बिकम्स आयोटा साइन हाइपरबोलिक, और यहाँ पे टू आयोटा एक्स है तो टू एक्स हो जाएगा. बाकी सारी टर्म्स को सेम रखते हैं, नीचे भी कुछ भी फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होगा, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस एच टू एक्स. ठीक है, ऐसे हमने इसे सिंप्लीफाई किया. अब लास्ट स्टेप में सिंपली इस आयोटा को अंदर वाली टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं. सो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस वन, सो यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन हाइपरबोलिक टू एक्स माइनस आयोटा साइन
2y divided by cos 2y minus cos h 2x। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट एक सेपरेट हो गया हुआ और यहाँ पे ये रियल पार्ट है। तो हम क्या करते थे लास्ट पार्ट में, जो भी रियल पार्ट है पहले डिनोमिनेटर उसके साथ लिख देते थे। सो यहाँ पे हो जाएगा cos 2y minus cos h 2x और यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन 2y डिवाइडेड बाय cos 2y minus cos hyperbolic 2x। ठीक है, हमने इसे ऐसे सिंप्लीफाई कर दिया है। देयरफॉर हमें दिख रहा है कि हमारा रियल पार्ट ये है पूरा और जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है दिस इज ये वाला पूरा, ये माइनस आयोटा को हम यहाँ भी लिख सकते थे। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ वी डू सच क्वेश्चंस। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस। हमने तीन एग्जाम्पल किए हैं, ऑल ऑफ देम आर क्वाइट ईजी, बट इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन लेट मी नो इन द कॉमेंट्स, या फिर अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है सिमिलर सा जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही हो यू कैन ड्रॉप दैट इन द कॉमेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।